कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 हम इसका छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक बिंदु A से जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो देखिए वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो यहां से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि O से लेकर मान लीजिए ये बिंदु P है तो हमें OB ज्ञात करना है। अब बच्चों इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये है त्रिज्या, ये है स्पर्श रेखा, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कोण OBA बराबर 90 डिग्री, और इसका रीजन आएगा वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या पर लंब होती है, इसका मतलब कोण OPA हो गया 90 डिग्री, और यदि यह कोण OPA 90 डिग्री हो गया इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वह बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर होगा बेस है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का नाम है ओपी, तो यानी ओपी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ओपी का स्क्वायर 16 ओपी स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर ओपी स्क्वायर 25 में से 16 निकाले 9 बराबर ओपी स्क्वायर, तो यहां से ओपी कितना आ जाएगा? यदि ओपी का स्क्वायर 9 है तो ओपी किसके बराबर होगा? 9 के वर्गमूल के बराबर, जो कि आ गया 3। इसका मतलब OP आ गया 3 सेंटीमीटर, और OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की जो त्रिज्या आ गई है वो आ गई है 3 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर है।